नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी। एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया दोस्तों। आज मैं लाया हूं अनबॉक्सिंग एक और नए डिवाइस की, जो है वीवो की तरफ से वीवो V11 Pro। हाल ही में वीवो की तरफ से हमें वीवो V9 देखने को मिला था, और अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है कि वीवो V11 Pro हमें यहां पर देखने को मिला है। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कम्प्लीट अनबॉक्सिंग इस डिवाइस की, दूंगा आपको कंप्लीट ओवरव्यू एंड फीचर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और बताऊंगा कि क्या प्राइस है और क्या अवेलेबिलिटी है इस डिवाइस की। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, और जानिए सारी डिटेल्स Vivo V11 Pro के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, और कुछ फीचर्स भी यहां पर मेंशन किए गए हैं Vivo V11 Pro के बॉक्स के ऊपर। बॉक्स कंटेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिलता है चार्जर, डेटा केबल और हेडफोन्स। सो यहां पर नए तरीके की आउटपुट रेटिंग हमें देखने को मिली है इसके चार्जर की, क्योंकि ये फोन सपोर्ट करता है वीवोज डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, जो रफली 42% का चार्ज दे देती है 30 मिनट में, और करीब 80% जो बैटरी है एक घंटे में यहाँ पर चार्ज हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ मैनुअल्स देखने को मिलेंगे और सिम इजेक्टर टूल, और साथ में आपको एक टीपीयू केस भी दिया गया है जो आप फोन के साथ लगा सकते हैं। तो ये सारे बॉक्स कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे जब आप Vivo V11 Pro को खरीदते हैं। चलिए अब दोस्तों इस डिवाइस के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमें एक नए तरीके का डिस्प्ले और नॉच यहाँ पर देखने को मिला है, फिश आई जैसा लुक यहाँ पर देखने को मिलता है, जो पर्सनली मुझे काफ़ी प्यारा लगा है। सिंगल कैमरा लगाया है फ्रंट में, और सेंसर जो है उसके बेजल्स के एजेस में लगाए गए हैं, और उसके ऊपर बड़ी स्मार्टली तरीके से आपको ईयर पीस वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो आपको डिस्प्ले दिया गया है, डिस्प्ले काफ़ी प्यारा और ब्राइट लगता है मुझे। 6.41 इंच का ये डिस्प्ले है, और इसकी रेजोल्यूशन है 1080x2340 pixels। राइट साइड में आएंगे तो आपको दिए गए हैं वॉल्यूम रॉकर कीज एंड पावर बटन। लेफ्ट साइड में आप आएंगे तो आपको दिए गए हैं यहाँ पर एक कार्ड स्लॉट। स्लॉट को चेक करते हैं तो पता चलता है 2 सिम कार्ड और एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड यहाँ पर आप लगा सकते हैं। पीछे की तरफ बात करें तो प्लास्टिक मेड बॉडी है ये, काफ़ी मिलता जुलता डिज़ाइन है पीछे का Vivo V9 से। वैसे ही तरीके से कैमरा की प्लेसमेंट की गई है रियर की, डुअल कैमरा सेटअप है विद सिंगल LED फ्लैश। कैमरा के बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में। इसके अलावा Vivo की ब्रांडिंग दी गई है, और नीचे की तरफ मेंशन किया गया है डिज़ाइन बाय Vivo। ये कलर मेरा पर्सनल फेवरेट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा है, काफ़ी ग्लॉसी है, सो हाथों के निशान छपना यहाँ पर मामूली बात है, तो इसलिए रिकमेंडेड है जो केस साथ में दिया है वो ज़रूर लगाइए इसके साथ। और नीचे की तरफ बात करें तो माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है, स्पीकर दिया गया है, और सेकेंडरी माइक्रोफोन और प्राइमरी माइक्रोफोन आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं Vivo V11 Pro के डिज़ाइन के बारे में। V11 Pro का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है Vivo V9 से, चाहे बटन्स की प्लेसमेंट ले लीजिए, सिम ट्रे की प्लेसमेंट ले लीजिए, और यहाँ तक कि जो वर्टिकल कैमरा प्लेस किए गए हैं पीछे, काफ़ी आइडेंटिकल प्लेसमेंट्स हैं इसकी। सिंस इसकी बैक थोड़ी सी ग्लॉसी है तो चांसेस हैं कि स्मजेस यहाँ पर बड़ी जल्दी लग जाएंगे। तो Vivo का डिस्प्ले है, उन्होंने नाम दिया है Vivo ने हेलो फुल व्यू डिस्प्ले, क्योंकि बॉर्डर्स काफ़ी स्लिम है और टाइनी नॉच दी गई है यहाँ पर, और जो सेंसर्स हैं वो कैमरा के राइट साइड जो बेजल दिया गया है वहाँ पर उसको मूव किया गया है, और बड़े ही प्यारे तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ प्लेस किया गया है ईयर पीस को। डिस्प्ले यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है, बहुत ही सच में मानिए दोस्तों बहुत ही प्यारा डिस्प्ले लगता है, एंड पिक्सल काउंट इसकी थोड़ी सी 400 पिक्सल पर इंच से ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, और फुल HD+ यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। सेंसर भी आपको डिस्प्ले के अंदर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप अपनी उंगली वहाँ पर रखते हैं मोशन डिटेक्ट होता है वहाँ पर, और एक बढ़िया सी लाइट वहाँ पर लोगो जो है लाइट हो जाता है, और ऑथेंटिफिकेशन काफ़ी आसान हो जाती है। सिंस ये अभी नया वर्जन है, अभी नया नया डेवलप हुआ है, तो थोड़ा सा स्लो है अनलॉक होने में, और उसके साथ साथ कभी कभार ये अपनी फिंगर भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। बट खुशखबरी की बात ये भी है कि यहाँ पर आपको साथ में फेस अनलॉक का फीचर भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया है Vivo ने, उसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है सुपर एमोलेड पैनल। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको एक अच्छे डिवाइस के साथ साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको डिस्प्ले के अंदर दिया गया है।
चलिए बात करते हैं Vivo V11 के स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर के बारे में। Vivo V11 को पावर देता है Qualcomm Snapdragon 660 का मोबाइल प्लेटफॉर्म। इसके अलावा 6GB की रैम यहां पर आपको देखने को मिलती है, जैसे Vivo X21 में हमें देखने को मिली थी, और 64GB का इंटरनल स्टोरेज यहां पर दिया गया है। ये एक्सपेंडेबल है, यहाँ पर आप 256GB तक का कार्ड लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में Vivo लेकर आया है फन टच OS का वर्जन 4.5, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड ओरियो के 8.1 प्लेटफॉर्म में। Vivo ने थोड़ा सा बेटर किया है अपने सॉफ्टवेयर को, धीरे धीरे से और अच्छी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से। पहले से कम लैगी है, कम बग्स हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, और अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। रैम मैनेजमेंट भी थोड़ी सी बेटर है। काफी प्री इंस्टॉल्ड एप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ब्लोटवेयर काफी ज्यादा है, बट यस एक अच्छी बात है, ये आप रिमूव कर सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है, आप इनको अपनी मर्जी के हिसाब से इसको रिमूव कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर एसफॉल्ट 9 जैसी गेम्स अच्छी चल जाती हैं अगर आप लो या मीडियम सेटिंग्स रखते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है इस डिवाइस के लिए। बट जैसे ही आप थोड़ी सी बम्प अप करेंगे ग्राफिक्स को, यहाँ पर गेम प्ले जो है वो थोड़ा सा अटकने लग जाता है, स्टटर करता है। चलिए अब चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। रेयर में आपको डुअल कैमरा सेंसर दिए गए हैं। मेन सेंसर के बारे में बात करें तो 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर यहां पर लगाया गया है, f/1.8 अपर्चर के साथ आता है। डुअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी यहां पर यूज की गई है। इसके अलावा यहां पर आपको ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती। जो दूसरा सेंसर है वो एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा है, जो आता है f/2.4 अपर्चर के साथ। सिंगल LED फ्लैश दी गई है, डुअल टोन LED फ्लैश है, और HDR मोड ये सपोर्ट करता है। HDR ऑन रखने से जो फोटोग्राफ्स आती हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। कैमरा से नो डाउट मैंने जो इनिशियल पिक्चर्स ली हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हैं मुझे। फोटोज़ में जो नॉइस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल की जाती है, डिटेल्स काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व किए जाते हैं, और डिटेल लेवल और कलर्स काफ़ी ज़्यादा हैं जब भी आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं। उसके अलावा डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मेंटेन की जाती है फोटोज़ में। ब्लैक्स और वाइट्स जो हैं प्रॉपरली बैलेंस लगते हैं मुझे यहाँ पर। कलर्स काफ़ी विविड हैं, पिक्चर्स शार्प हैं, और यहाँ पर ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कैमरा की वो मुझे अच्छी लगी है। वीडियो रिकॉर्डिंग में अभी फिलहाल मैक्सिमम 1080p 30fps पे शो कर रहा है, बट यहाँ पर OTA अपडेट आ चुकी है, 4K भी अब ये सपोर्ट करता है एट 30 frames per second। सेल्फी कैमरा जो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले के ऊपर लगाया गया है, वो एक 25 मेगापिक्सल का सेंसर है और f/2.0 अपर्चर के साथ आता है, और ये भी सपोर्ट करता है HDR को। सेल्फी शॉट्स में भी यहाँ पर आपको डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस जैसे ऑप्शन दिया गया है, एंड एक मोड यहाँ पर दिया गया है जो मुझे काफ़ी प्यारा लगा है, जिससे आप ब्लैक एंड वाइट और कलर की मिक्स फोटोग्राफी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस की। अगर इस फ़ोन के प्राइसिंग के बारे में बात करें, 25,990 रुपये इसका प्राइस रखा गया है, और इसके राइवलरी में काफ़ी फोन्स ऑलरेडी यहाँ पर हमें इस प्राइस सेगमेंट को देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ऑनर प्ले और पोको F1 जो है स्नैपड्रैगन 845 के साथ ऑलरेडी आ रहे हैं। 25,990 रुपये में Vivo V11 जो है एक अच्छा डिवाइस मुझे लगा है। यहाँ पर इतनी परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिलती, बट जो ओवरऑल फीचर्स हैं वो अपने प्राइस के हिसाब से बिल्कुल ठीक आते हैं। ये डिवाइस में आपको कैमरे से लेके परफॉर्मेंस जो है सबका ब्लेंड मिलेगा। अगर आप इस डिवाइस को खरीदते हैं तो आपको अपना पैसा वेस्ट जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। हालांकि थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर मुझे ज़रूर लगी हैं। बेसिकली यहाँ अगर USB Type-C पोर्ट दिया गया होता, कैमरे में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन दी गई होती, और जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, अभी नया वर्जन है मैं मानता हूँ, तभी थोड़ा सा स्लो है, स्लगिश है, कभी कभार रीड नहीं कर पाता, बट उसको पूरा करने के लिए उन्होंने फेस अनलॉक भी यहाँ पर दिया गया है। सो ये था दोस्तों कंप्लीट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस Vivo V11 Pro का। बताएगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिए, जरूर शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। I